this channel is for education purpose and we do not recommend you to buy or sell any stocks before investing in our predictions please take advice from your financial advisor we are not responsible for any of your profit and losses so वेरी गुड इवनिंग गाइज वेलकम बैक टू आर चैनल फिन वेस्ट उम्मीद आप सभी के ट्रेडिंग केसेस से जा रहे होंगे अगर नहीं जा रहे होंगे तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा आपको काफी मदद मिलेगी अपने लिए अच्छे स्टॉक्स पाने में एट दी एंड में मैं आपके लिए कल के लिए जो स्टॉक्स अच्छे होने वाले उनकी बात करूँगा फोर हंड्रेड टू सेवन हंड्रेड के रेंज में जो मैं स्टॉक्स प्रोवाइड करता हूँ उनकी भी मैं बात करूँगा उनका भी मैं रिव्यू दूँगा आपको और बाकी जो मैंने आज के लिए जो स्टॉक्स दिए थे उनकी भी मैं बात कर लूँगा चलिए वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नहीं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बेलाइकन को दोबारा मत भूलिएगा टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आप हमें टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन जरूर हो जाएगा और हमें कॉन्टेक्ट जरूर कर लीजिएगा फोर टू सी की रेंज में मॉर्निंग में मैं स्टॉक्स प्रोवाइड करता हूँ जिनमें आपको मिनिमम थाउजेंड टू मैक्सिमम आपका कितना भी इन्वेस्टमेंट के हिसाब से आप लगा सकते हैं कितना भी प्रॉफिट हो सकता है मिनिमम आपको टेन टू ट्वेंटी फाइव पॉइंट आपको मिल जाते हैं मैक्सिमम ट्वेंटी फाइव पॉइंट तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहला स्टॉक था हमारा हेवल्स हमने आपको दिया था हेवल्स में देखिए हुआ क्या हेवल्स में हमारा साइड का यहाँ पे एक टारगेट प्राइस यहाँ जाके अचीव हुआ था इसमें स्टॉक ये डाउन ट्रेंड में नहीं आया था देखेंगे स्टॉक को मैं कहता हूं कि अगर स्टॉक डाउन ट्रेंड में है तो पहला लेवल ब्रेकआउट छोड़ना बट यहां पे स्टॉक डाउन ट्रेंड में नहीं आया था अभी ये भले ही डाउन आया था तो उसके बाद यहां से ये यह बढ़ने लगा था यहां से बढ़ने के रीजन की वजह से आपने इसमें बाय कर लिया होगा और जो हमारा रूल था कि पहला टारगेट प्राइस अचीव होने के बाद आपको स्टॉप लॉस शिफ्ट कर देना है फर्स्ट टारगेट प्राइस पे उसके कारण आपको इसमें अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया होगा बाय साइड में अगर आपने छोटा सा मतलब प्रॉफिट हो गया होगा शॉर्ट सेलिंग की साइड की मैं बात करूँ शॉर्ट सेलिंग की साइड में तो इसने आपको अपने जो हमारा टारगेट प्राइस था थर्ड टारगेट प्राइस उससे भी कहीं ज्यादा नीचे जाके आपको अच्छा खासा प्रॉफिट देख के चले गया होगा हेवल्स इसमें ज्यादा मैं बात नहीं करूंगा लेवल्स का आपको चेक करने था प्रीवियस वीडियो में आई बटन पर क्लिक करके प्रीवियस वीडियो में जाकर चेक कर सकते हैं अगला था हमारा सी एट सी एट हमारा जो था गैप ऑफ ओपन वाइज के कारण हम इसमें कोई ट्रेड नहीं कर पाएगा बाकी का जो स्टॉक था हमारा एच सी एल टेक्नोलॉजी ये हमने आपको दिया था टेलीग्राम चैनल पे इसमें आपके शॉर्ट सेलिंग साइड में काफी अच्छा प्रॉफिट आपको देखने को मिला होगा लगभग लगभग ट्वेंटी फाइव पॉइंट प्लस आपको इसमें भी देखने को मिल गए होंगे खाली शॉर्ट सेलिंग साइड टाटा कम्युनिकेशन टाटा कम्युनिकेशन में हमारा जो था देखिए बाई साइड में आपने दो बार हमने कहा था जित जितनी बार एक या दो बार लेवल ब्रेकआउट होता है दो तीन बार लेवल ब्रेकआउट होता है तो आप उतनी बार बाय करेंगे तो यहाँ पे आपका देखिए पहले स्टॉक गैप अप ओपन हुआ गैप अप ओपन होने के बाद दोबारा डाउन आया फिर यहाँ इसने हमारा जो था यहाँ पे डाउन आने के बाद ये यहाँ पे पहला लेवल ब्रेकआउट आपने छोड़ा होगा इसका फिर दूसरा लेवल ब्रेकआउट ये था दूसरा लेवल ब्रेकआउट पर आपने इसे बाय किया होगा यहाँ से इसने यहाँ तक बनाया यानी कि दो टारगेट वाइज हमारे यहाँ पे अचीव कर लिए थे यहाँ जाके भारत से जब यहाँ पे लेवल ब्रेकआउट हुआ तो आप जब दोबारा से लेवल ब्रेकआउट हुआ तो आपने यहाँ से यहाँ तक इसने हमारे तीनों टारगेट प्राइस इजिली अचीव कर लिए थे तो आपने इसमें अच्छा तीनों नहीं कर पाया सॉरी तीसरे टारगेट प्राइस से तीन या चार पॉइंट नीचे इसने अपना हाई बनाया बट दो बार आपके टारगेट अचीव हुए बाई साइड के सबसे पहला स्टॉक था हमारा रानी ट्रांस जो मैंने 400 हंड्रेड टू सेवन हंड्रेड के रेंज में प्रोवाइड किया था देखिए स्टॉक जो था हमारी बाइंग प्राइस पे गैप ऑफ ओपन होने के कारण ये ऊपर गया फिर उसके बाद डाउन आया और इसने यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये एक मिनट का टाइम फ्रेम मैंने रखा है तो इसने तीन मिनट तक होल्ड लिया हमारे बाइंग प्राइस और बाइंग प्राइस के ऊपर नीचे ही ये होल्ड लेता रहा मैंने आपको कहा था कि अगर स्टॉक गैप ऑफ ओपन होता तो आपको वेट करना है उसके गैप रिफिल होने का गैप रिफिल कैसे होगा बाइंग और शॉर्ट सेलिंग प्राइस के बीच में कहीं पर भी वो एक मिनट का होल्ड लेगा ये हमारे बाइंग प्राइस पर रहा उसके बाद ये ऊपर बढ़ गया ऊपर जाकर तो इसने हमारे सारे टारगेट प्राइस अचीव किए का अगला था हमारा सोनाटा सॉफ्ट इसका टारगेट जो हमने आपको जो टेलीग्राम चैनल पे स्क्रीनशॉट अपलोड किया था देखिए काफी लोगों को कन्फ्यूजन हो रही है देखिए आप बाइंग और तो, सेलिंग क्वांटिटी आप चेक कर सकते हैं मैंने अपने सब्सक्राइबर से कंफर्म किया ये चीज जो माइनस साइन आ रहा है वो एस सिक्योरिटीज का कोई ब्रोकर है उसमें यह माइनस साइन आता ही है प्रॉफिट के आगे तो ये चीज कंफ्यूज में तो ये वो लॉस नहीं वो प्रॉफिट है मैंने इस चीज का प्रॉफिट आपको सेल किया है उसमें खाली इन्होंने टू या टू समथिंग क्वान्टिटी बाई की थी और टू थाउजेंड का प्रॉफिट कमाया था खाली टेन पॉइंट्स में और इसमें भी आपको अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिल गया था इसने हमें शॉर्ट सेल करके चलना था लगभग लगभग लग इस लाइन पे और इसने अपना लो बनाया है इस लाइन पे तो शक्ति पंप शक्ति पंप की मैं बात करूं तो इसमें भी देखिए स्टॉक हालांकि गैप ऑफ ओपन हुआ था गैप ऑफ ओपन होने के बाद इसने अपना शॉर्ट सेलिंग का प्राइस यहाँ पे लेवल ब्रेकआउट किया यहां पे और यहां पे आने के बाद इसने अपना डाउन बनाया लगभग लगभग लग यहाँ लग तक का यानी कि बाय साइड का सॉरी सॉइंट आपको दे दिया अगला था हमारा होम फर्स्ट होम फर्स्ट में देखिए अगर आपको वो स्ट्रेटेजी जो मैंने बताई थी कि पहला लेवल ब्रेकआउट आपको छोड़ना है तो वो चीज़ आपको यहाँ पे काम आई होगी अब देखा होगा आपने ये कंटिन्यूस डाउन ट्रेंड में था डाउन ट्रेंड के बाद यहाँ पे इस लेवल पर हमें इसे बाय करके चलना था लेकिन ये जो डाउन ट्रेंड में था इसने हल्का सा अप आया यहाँ से डाउन आया पहले इसने यहाँ रखा और यहाँ पर हमारा फर्स्ट पहली बार में लेवल ब्रेकआउट किया तो डाउन ट्रेंड में पहला लेवल ब्रेकआउट छोड़ना मैं इसी रीजन से कहता हूँ न्यू ईयर्स को भी समझ आ जाएगा अगर आप होम फर्स्ट का एक मिनट का टाइम फ्रेम रख के कैंडलिस्टिक चार्ट देखेंगे तो एक मिन जो पहला लेवल ब्रेकआउट है ये चीज़ में आपको समझाऊंगा जब लेवल बताऊंगा यहाँ पे पहला लेवल ब्रेकआउट छोड़ना पड़ा छोड़ आपने होगा तो आप भी फायदे में रहेंगे उसके बाद आपको जो है शॉर्ट सेलिंग साइड के दो ट्रैक प्राइस यहाँ जाके अचीव होकर मिल गए थे यानी कि इजिली टेन पॉइंट्स भी इसमें आपने गेन कर लिए थे आखिरी स्टॉक था हमारा अडानी स्पोर्ट्स ये जो स्टॉक था ये गैप यह ओपन हो गया था और गैप ऑफ ओपन होने के कारण इसमें कोई ट्रेड नहीं हो पाई हाल चलिए कल के स्टॉक्स की हम बात कर लेते हैं ये तो रिव्यू था आपको डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा हमें कॉन्टैक्ट ज़रूर कर लीजिएगा फोर हंड्रेड टू सेवन हंड्रेड के रेंज में मॉर्निंग में मैं स्टॉक्स प्रोवाइड करता हूँ जिनमें मिनिमम आपको टेन और मैक्सिमम ट्वेंटी फाइव प्लस पॉइंट डेली के मिल जाते हैं बाइंग और शॉर्ट सेलिंग ला के तो ईजीली आप अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हैं अपने इन्वेस्टमेंट के हिसाब से आप लगा सकते हैं तो चलिए बात कर लेते हैं कल के स्टॉक्स की 19 मार्च 2021 के लिए कुछ स्टॉक्स हमने आपके लिए सेलेक्ट किए हैं वही मैं आपके सामने रखने वाला हूं तो ध्यान से सुनिएगा एक एक बात को हर चीज़ को लिख के नहीं बता सकता हूं सबसे पहला रूल है कि जो ल, लेवल लेवल हैं बाई के और शॉर्ट सेलिंग के ये ब्रेकआउट होंगे एग्जैक्ट इस लेवल पे आपको बाय नहीं करना है जैसे मैंने आपको बाय करने के लिए बोला है आरती इंडस्ट्रीज ट्वेल्व हंड्रेड तो आप इसे बाय करके चलेंगे ट्वेल्व पे फोर्टी फाइव कभी कब क्या होता है इस लेवल पे आने के बाद स्टॉक नीचे आ जाता है आप बाय कर लेते हैं और आपको लॉस हो जाता है तो इस लेवल पर ब्रेकआउट होने के बाद ही आप इसे बाय करेंगे टारगेट रहेगा ट्वेल्ल हंड्रेड ट्वेल्व हंड्रेड

फर्स्ट टारगेट प्राइस अचीव हो जाए अगर नीचे आ जाता है स्टॉक तो ट्रेड से आप बाहर आ जाएंगे दोबारा से लेवल ब्रेकआउट होगा दोबारा से बाय कर लीजिएगा कोई रिस्क वाली बात नहीं है तो आप अपना स्टॉप लॉस शिफ्ट जरूर कर लीजिएगा और एक और चीज स्टॉप लॉस का जो लेवल है वो कैसे ब्रेकआउट होगा जैसे इस लेवल का मैंने स्टॉप लॉस दिया ट्वेल्व हंड्रेड थर्टी थ्री तो आप ट्वेल्ल हंड्रेड थर्टी टू पॉइंट फाइव जीरो पे आप अपना स्टॉप लॉस लगाएंगे एग्जैक्ट इस वैल्यू पे नहीं लगाएंगे रीजन सेम इस वैल्यू पे आने के बाद स्टॉक कभी कभार बहुत ऊपर बढ़ जाता है तो आप क्या करते हैं ट्रेड से बाहर आ जाते हैं बट आपको लॉस हो जाता है बट एक्चुअल में वो प्रॉफिट देके चला जाता है शॉर्ट सेलिंग का लेवल रहेगा आपका 1230 हंड्रेड थर्टी यानी ट्वेल्ल हंड्रेड ट्वेंटी नाइन पॉइंट फाइव जीरो शॉर्ट सेल करके चलेंगे टारगेट ट्वेल हंड्रेड फॉर्टी थ्री पॉइंट फाइव अपना लॉस लगाएंगे इसमें भी आपको शिफ्ट करना है डाउन ट्रेंड में जब मार्केट होगा तब आपको पहला लेवल ब्रेकआउट छोड़ना है किस चीज का बाय का अप, अप ट्रेंड में अगर मार्केट होगा तो पहला लेवल ब्रेकआउट आपको छोड़ना है शॉर्ट सेलिंग का ये ज्यादातर कंडीशन तब दिखाई देते हैं जब गैप ओपन होता है गैप गैप डाउन तो ध्यान ब्रेकआउट छोड़ना है अगर स्टॉक गैप हो डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा आप हमें कांटेक्ट जरूर कर लीजिएगा क्योंकि मॉर्निंग में मैं फोर हंड्रेड टू सेवन हंड्रेड के रेंज में स्टॉक्स प्रोवाइड करता हूं जो कि जिसका रिव्यू मैंने अभी आपको दे दिया टेलीग्राम चैनल पे मैं डेली के हिसाब से जो है टेलीग्राम चैनल पर स्क्रीन अपलोड करता हूँ प्रॉफिट के आप वो भी चेक कर सकते हैं आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा डेली के आप टेन टू ट्वेंटी फाइव मिनिमम टेन पॉइंट्स और मैक्सिमम ट्वेंटी फाइव प्लस पॉइंट्स आप कमा सकते हैं फोर हंड्रेड टू सेवन हंड्रेड में रेंज में स्टॉक्स में और अपना प्रॉफिट अच्छा खासा कर सकते हैं अगर मैं अमाउंट के तौर पे बताऊं तो आप डेली का थाउजेंड मिनिमम कमा सकते हैं मैक्सिमम की कोई रीच नहीं होती आपके शेयर्स पर डिपेंड करता है आपने कितने शेयर्स बाय किए हैं और कितना आप कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा मॉर्निंग में दो कॉल्स में वहीं प्रोवाइड करता हूँ तो टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन जरूर हो जाएगा बाकी आखिरी स्टॉक है हमारा बी जिसे आप बाय करके चलेंगे लेवल ब्रेकआउट होगा 978 का टारगेट रहेगा नाइन एटी और थाउजंड का स्टॉप लॉस रहेगा आपका 968 का शॉर्ट सेलिंग का लेवल रहेगा 966 टारगेट रहेगा 961 955 945 स्टॉप लॉस रहेगा 976 का ध्यान रखेंगे इन सब चीज़ों का बाकी आपको ट्रेड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अगर आप ये रूल्स मानेंगे अगर स्टॉक गैप गैप डाउन ओपन होता तो वेट करेंगे लेवन एम तक उसके गैप रिफिल होने का गैप रिफिल कैसे होगा बाइंग और शॉर्ट सेलिंग प्राइस के बीच में कहीं पर भी वो एक मिनट का होल्ड लगा जैसा कि मैंने आपको अभी एक्स एक्साम्पल दिखा देता है अगर आपने स्कीप करके देखा है तो आप दोबारा देख के लगा सकते हैं बाकी आज की वीडियो में बस इतना ही उम्मीद है आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा शेयर कीजिएगा कमेंट करके जरूर बताएगा आपको कितना कितना प्रॉफिट हुआ और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा तब तक के लिए धन्यवाद मिलता है आपको अगली वीडियो के साथ